विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा चर्चा है। 18 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया जाएगा। विपक्ष विशेष सत्र के मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। देश की 75 सालों की उपलब्धियों, अनुभवों और सीख पर चर्चा के लिए सरकार ये सत्र बुला रही है। इन सब के अलावा 4 ऐसे बिल हैं जिनको सरकार लोकसभा में चर्चा करके पारित करना चाहती है। कौन से बिल पेश करेगी सरकार? एडवोकेट संशोधन बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल, पोस्ट ऑफिस बिल, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक। बता दें कि इन विधेयकों में सरकार एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये 2 बिल राज्यसभा से पास कराए जा चुके हैं। इसके अलावा डाकघर विधेयक 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त बिल, जिसमें निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्त सेवा शर्त विधेयक 2023 राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। अब इन बिलों के बारे में और ज्यादा जानते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक। सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव के लिए राज्यसभा के मॉनसून सत्र में एक विधेयक पेश किया था। इस बिल की विशेषताओं पर बात करें तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी होंगे। सदस्य के तौर पर लोकसभा के नेता विपक्ष शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री एक सदस्य के तौर पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को नामित कर सकेंगे। इस विधेयक पर सरकार का कहना है कि संविधान के आर्टिकल 324 में कोई संसदीय कानून नहीं था, इसलिए सरकार इस समस्या को खत्म करने के लिए विधेयक ला रही है। एडवोकेट संशोधन बिल 2023। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मॉनसून सत्र में इस बिल को राज्यसभा में पेश किया था। इस बिल में लीगल प्रोटेक्शनर एक्ट 1869 को निरस्त करने का फैसला है, तो वहीं अधिवक्ता अधिनियम 1961 को भी संशोधित किया जाएगा। इस विधेयक में प्रावधान है कि कानून की पढ़ाई और कानूनी प्रशासन में जरूरी बदलाव के लिए भी सरकार अहम कदम उठा सकती है। डाकघर विधेयक 2023। डाकघर विधेयक 2023 1898 में बने पुराने अधिनियम की जगह लेगा। ये बिल अगस्त में राज्यसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक को डाकघर को पत्र भेजने के साथ साथ पत्र प्राप्त करने, इकट्ठा करने, भेजने और बांटने जैसी सुविधाओं के विशेष अधिकार को खत्म करता है। इस विधेयक में डाकघर के पास खुद का स्पेसिफिक डाक टिकट जारी करने का प्रिविलेज होगा। ये अधिनियम पोस्ट के माध्यम से भेजे जाने वाले शिपमेंट को रोकने की भी अनुमति देता है। सुरक्षा और शांति को ध्यान में रखते हुए पोस्ट ऑफिस के कुछ शीर्ष अधिकारियों को ये अधिकार होगा कि वह किसी शिपमेंट को रोकें या फिर नष्ट कर दें। प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक। मॉनसून सत्र में सरकार ने प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को राज्यसभा से पास करा लिया था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता शुरू करना है। इस बिल के लागू होने के बाद डिजिटल मीडिया भी रेगुलेशन के दायरे में आएगा। इस बिल से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान हो जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने ही सिर्फ अपना एजेंडा साफ नहीं किया है, इससे पहले विपक्ष भी विशेष सत्र को लेकर अपना एजेंडा साफ कर चुका है। सोनिया गांधी द्वारा जारी पत्र में 9 बिंदुओं का जिक्र किया गया था। इसमें अडानी मामले में JPC की मांग भी शामिल है। इसके अलावा भी कई मामलों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, लेकिन BJP का कहना है कि इन सभी मुद्दों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।